गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं गोगा नवमी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। हमारे घर में पहले गोगा नवमी में हल्दी से सतिया बनाया जाता है। मैं बना रही हूँ हल्दी से सतिया। अभी हल्दी से अच्छे से बन नहीं रहा है क्योंकि हल्दी का कलर येलो कलर का होता है, इस वजह से थोड़ा सा सिंदूर वाला तो अच्छे से बन जाता है। इसके बाद हल्दी से सतिया बना के इसमें डॉट डॉट लगा रही हूँ। फिर इसके बाद इसमें आटा रखते हैं यहाँ पे। फिर ये मैंने खीर बनाई है, खीर। और इसके बाद गुड़ रखा जाता है, हमारे यहाँ गुड़ रखते हैं और नारियल रखते हैं, कच्चा नारियल होता है उसको रखते हैं। इसके इस तरह हम गुगा की धोक लगाते हैं, गुगा नौमी की धोक हमारी इस तरह लगती है। ये सब रखा जाता है। और लड्डू के पास मोर पंख रखे हुए हैं। और गोगा नवमी पर लड्डू के पास या धो जहाँ लगते हैं वहाँ मोर पंख भी रखे जाते हैं। आप देख सकते हो मैंने भी रखे हुए हैं। और ये गिन्नी अब धोक लगा रही है, इसने मोर पंख उठा लिए हैं। गिन्नी अब धोक लगा रही है, इसने मोर पंख नीचे गिरा दिए हैं। आप देख सकते हो, मैं इसको बोल रही हूँ कि कैमरे की तरफ देखो पर देख नहीं रही है ये। मैं बोल रही हूँ धोक लगाओ तो नहीं लगा रही है। अब लगा रही है गिन्नी धोख, जया कर रही है। फिर से अच्छे से करेगी ये जय। देखो हमारे घर में आज गुलगुले और पकोड़े बन